नमस्कार, मैं आयशी जोशी अचीव IAS द्वारा प्रस्तुत समसामयिक विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है CMS, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, अर्थात जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन। आइए बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के 13वें सम्मेलन COP की मेज़बानी करने वाला देश भारत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में एक पर्यावरणीय संधि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के 13वें सम्मेलन अर्थात COP का आयोजन भारत द्वारा 15 फरवरी से 22 फरवरी 2020 के दौरान किया जाएगा। यह आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। 129 पार्टियों और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित संरक्षणवादियों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को COP में शामिल होने की उम्मीद है। भारत के 1983 से CMS के लिए एक पार्टी के रूप में कार्यरत हैं। पार्टियों का सम्मेलन अर्थात COP इस सम्मेलन का निर्णय लेने वाला एक अंग है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए वेबसाइट के साथ लोगो और मैस्कॉट GB का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 13वें COP की मेज़बानी से भारत को वन्य जीव प्रजातियों के लिए अपनी संरक्षण पहल दिखाने का एक अवसर मिलेगा। यह प्रवासी जंगली जानवरों और उनके आवास के संरक्षण और स्थायी उपयोग पर विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह एक पर्यावरण संधि है। इसका अन्य नाम है बोन कन्वेंशन। इस संधि पर 1979 में जर्मनी के बोन सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। 1 नवंबर 1983 को यह अस्तित्व में आया था। अब इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 130 सदस्य हैं, जिसमें से 129 सदस्य देश हैं तथा एक यूरोपीय संघ है। इसमें नवीनतम सदस्य मालदीव हैं। आपको बता दें कि भारत 1983 से ही इसका सदस्य है। इस अवसर पर बोलते हुए गुजरात के वन और जनजातीय विकास राज्य मंत्री श्री रमनलाल नानूभाई पाटकर ने खुशी व्यक्त की कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण पर अगला COP गुजरात में आयोजित किया जाएगा, जहां हर साल पक्षियों की कई बड़ी प्रजातियां प्रवास करती हैं। प्रवासी प्रजातियां वे जानवर हैं जो एक वर्ष के विभिन्न समयों में भोजन, धूप, तापमान, जलवायु आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान पर जाते हैं। निवास स्थान के बीच की हलचल कभी कभी कुछ के लिए हजारों मील या किलोमीटर से अधिक हो सकती है, और इसी दूरी को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रवासी पक्षी या स्तनधारी पक्षी जो हैं उनके प्रवासी मार्ग में घोंसले शामिल हो सकते हैं, और प्रत्येक प्रवास से पहले और बाद में निवास की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अर्थात ये जो COP सम्मेलन है ये इन्हीं कुछ लक्ष्यों पर कार्य करता है, जैसे स्थलीय, समुद्री एवं एवियन अर्थात उड़ने वाले प्रजातियों को उनकी संपूर्ण सीमा में संरक्षण प्रदान करना, प्रवासी जंगली जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ भी सहयोग करता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की अर्थात CMS की, जब CMS का जो उद्घाटन है या इसकी जो शुरुआत है वो जर्मनी के बोन नामक स्थान से की गई थी, जो कि June 1979 में हेल्ड हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में अपने रेंज के देशों में प्रवासी प्रजातियों की रक्षा के लिए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक कन्वेंशन लागू किया गया है। बॉन कन्वेंशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है और उन राज्यों को साथ लाता है जिनके माध्यम से प्रवासी जानवर गुजरते हैं।
जैसे कि रेन स्टेट्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय संरक्षण उपायों के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है और यह एक प्रवासी रेंज के तहत आने वाले क्षेत्र को शामिल करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है बोन की, जिसमें इस कन्वेंशन का जो कंजर्वेशन एक्ट है उसे लागू किया गया था। कई अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं या गैर कानून सरकारी जो संगठन हैं और भागीदारों के साथ साथ कॉरपोरेट क्षेत्र में भी सहयोग किया जाता है। इस सम्मेलन के तहत विलुप्त होने वाली जो जो प्रजातियां हैं या विलुप्त होने की धमकी दी गई प्रवासी प्रजातियों को परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध किया जाता है और पार्टियां इन जानवरों की सुरक्षा, कड़ाई से उन स्थानों की रक्षा करने और उन्हें पुनर्स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत रहती है जहाँ वे रहते हैं। प्रवासन की बाधाओं को कम करते हैं और अन्य कारकों को नियंत्रित करते हैं जो उन्हें सहन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता से जिन प्रजातियों की आवश्यकता होती है या जिन्हें काफ़ी लाभ होता है, वे अभी समय के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध हैं, अर्थात CMS के तहत प्रवासी प्रजातियां 2 अपेंडिक्स में सूचीबद्ध हैं, जिस जो है अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, अर्थात जिनकी अस्तित्व जिनका खतरे में है, और अपेंडिक्स 2 में प्रतिकूल संरक्षण स्थिति में जो प्रजातियां हैं उन्हें शामिल किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये वो कन्वेंशन की पिक्चर है जो कि 1979 में जर्मनी के बोन में लागू किया गया था। भारत में साइबेरियन क्रेन 1998, मरीन टर्टल 2007, डुंगोंग्स 2008 और रैप्टर 2016 के संरक्षण और प्रबंधन पर CMS के साथ गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत कई प्रवासी जानवरों और पक्षियों के लिए अस्थाई घर है। इनमें से प्रमुख है अमूर फाल्कन्स, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेकलेस क्रेन, मरीन टर्टल, डंगोंग, हम्बैक व्हेल्स एट्सेट्रा। भारतीय उपमहाद्वीप प्रमुख बर्ड फ्लाईवे नेटवर्क का भी हिस्सा है, यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF। यह आर्कटिक और भारतीय महासागरों के बीच के क्षेत्रों को कवर करता है और 182 प्रवासी जल पक्षी प्रजातियों की कमी कम से कम 279 आबादी को शामिल करता है, जिसमें विश्व स्तर पर 29 खतरनाक प्रजातियां शामिल हैं। भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे के तहत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं। ये आप देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, द स्टैंडिंग कमिटी, द साइंटिफिक काउंसिल, ये सारे वो काउंसिल कमिटीज़ और पार्टीज़ हैं जो कार्यरत हैं प्रवासी जानवरों के लिए, प्रवासी प्रजातियों के लिए या जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए। बेसिकली ये कन्वेंशन काम करता है उन प्रजातियों के लिए जो बुरी तरीके से जिनका अस्तित्व खतरे में है या विलुप्त होने की कगार पे हैं। इट मीन्स ये एक्सटिंक्ट हो जाने वाली प्रजातियों के लिए कार्य कर रहा है। इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।